आपको जो अभी सामान दिखाया हूँ और वो सब सामान यहाँ पे रखा है मेरे पीछे, आप देख सकते हो। और दोस्तों ये जो सामान लिया था मैंने, करीबन मेरे को ये समथिंग समथिंग 2 लाख रुपए का पड़ गया था। और ये पूरा कंप्लीट जो हुआ था पीसी, मैंने इसका बहुत सा सामान आपको दिखाया ना पीसी का, तो ये पूरा कंप्लीट मेरे को 70,000 में पड़ा था। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों, मैंने अपने स्टूडियो के लिए जो सामान पहले ख़रीदा था अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया और मैंने उनका वीडियो नहीं दिखा पाया था। और दोस्तों तो मैंने सोचा क्यों ना अभी आपको दिखा दे। ये जो टीवी लिया था मैंने, ये समथिंग कितने की आई थी, 25,000 की ये टीवी आई थी जो अपने स्टूडियो के लिए लिए थे। और ये टीवी वो वाली रखी है जो HP की है। और ये मैंने कैबिनेट लिया था, अपने CPU का कैबिनेट इसमें आया था। और ये इसका, ये जो पीछे देख रहे होंगे आप, ये पीछे रखा है, इसका दिखा दिया मैंने आपको। और ये जो मदरबोर्ड देख रहा है आप, ये आया था 8,000 रुपये का। ये देखिए, ये जो अभी CPU में चल रहा अपना ये मदरबोर्ड है। ये ग्राफिक कार्ड लिया था मैंने, ये जो आया था समथिंग कितना, 25,000 का आया था। इस ग्राफिक कार्ड में गेमिंग भी खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है जो मैंने परचेस किया था। ये माउस लिया था मैंने HP का जो 650 रुपये का आया था, ये दिख रहा है ये वाला है वो, ये माउस जो मैं अभी चला रहा हूँ HP का। और दोस्तों ये है पावर सप्लाई अपने जो CPU के लिए लिए थे। और ये जो आया था 1200 रुपये का आया था पावर सप्लाई। और दोस्तों ये लिया था मैंने गेमिंग कीबोर्ड जो 1200 रुपये का आया था HP का। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा है गेमिंग कीबोर्ड है। और ये रखा है वाला जो मैं आपको दिखा रहा है, ये हमेशा मेरा यही रखा रहता है, ये गेमिंग कीबोर्ड है मेरा। और दोस्तों ये इन्वेटर है, ये देखिए, ये पावर सप्लाई इन्वेटर है ये रखा हुआ वाला। इसमें 1 घंटे तक हम चला सकते हैं, अगर जैसे लाइन गोल हो जाती है तो हम 1 घंटे तक इसको कवर कर सकते, हम जो भी वर्क रहता है हम उसको अपना कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं जैसे लाइन गोल हो जाए तो। ये बहुत ही अच्छा है। और ये मेरा जो मेरे को बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, ये पियानो का जो पियानो है MPK का। और दोस्तों सॉरी, मैंने इसका आपको प्राइस नहीं बताया। ये भी आया था मेरा कितना, 12,000 का आया था। ये जो दिख रहा है ना आपको पावर सप्लाई, ये रखा, ये 12,000 का आया था। और दोस्तों ये पियानो, ये जो पियानो है ये भी मेरे को समथिंग 10,000 का पड़ गया था, ये जो अकाई का है। ये बहुत ही अच्छा पियानो है। और ये देखिए ये पियानो, ये बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी है और ये बहुत ही अच्छा। इसमें साथ में इसके पैड भी दिए गए हैं जो हम पियानो के साथ पैड भी बजा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है पियानो। और मैंने आपको दिखाया था, और बहुत से लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई आपका जो पियानो है उसका लिंक सेंड करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और कीबोर्ड है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने नॉर्मली ले लिया था क्योंकि मेरे जो हाथ पसीजते हैं ना तो ये गेमिंग कीबोर्ड ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने ये वाला लिया था नॉर्मली। ये 650 रुपये का आया था, ये भी बहुत ही अच्छा है। और ये वाला है जो मैं भी यूज़ करता हूँ। और ये जो मेरा मोबाइल है जो मैंने 25,000 का लिया था, जिससे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसका भी मेरे को बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई आप किस फ़ोन से और किस से आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये देखिए, ये सैमसंग का मोबाइल है, ये भी मेरे को 25,000 का आया था। ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है और इसी से मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। तो देख, मैंने आपको मोबाइल दिखा दिया हूँ। और दोस्तों ये देखिए हमारा गेमिंग रिमोट जिससे हम खेलते हैं, ये बहुत ही अच्छा गेम पैड है हमारा। इससे जैसे हम कभी कभी बोर हो जाते हैं तो घर में मैं खाली बैठा रहता हूँ तो पबजी खेलते रहता हूँ, और कभी कभी बहुत ही अच्छे अच्छे गेम खेलता रहता हूँ। इसके बहुत ही अच्छे कंट्रोलर है और इससे हम बहुत ही आसानी से गेम खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छा है रिमोट है ये। और ये मैंने ऑनलाइन बुलवाया था अमेजोन से, ये भी मेरे को समथिंग 750 रुपये का आया था। ये बहुत ही अच्छा गेमिंग रिमोट है, इसको मैंने अमेजोन से बुलवाया था, परचेस किया था। और दोस्तों ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं अपने मोबाइल में रख के शूट करता हूँ। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये आप कहाँ से लेके आए हो, इसका नाम बताइए। तो ये है मोजा मिनिमी का गिम्बल जो मैं हमेशा अपने ब्लॉग में यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा गिम्बल है ये देखिए। और इसका प्राइस समथिंग समथिंग वही 6,500 तक का आ जाएगा। ये भी मैंने अपने अमेजोन से परचेस किया था, बहुत ही अच्छा गिम्बल है। और दोस्तों ये देखिए, ये मेरा हेडफोन है जिससे मैं अपने गाने रिमिक्स करता हूँ सुन के, ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है। ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था, ये समथिंग 2400-2500 रुपये का पड़ गया था। ये दिख रहा है,
ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है मेरा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये इसमें ये लिखाया था DJRC प्रोडक्शन करके, वो क्या प्रोडक्शन पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने इसको प्रो कर दिया था, तो ये DJRC प्रोडक्शन मैंने इसमें लिखवाया था। ये भी बहुत ही अच्छा हेडफोन है और इसमें साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप भी परचेस करिएगा, आपको पसंद आए और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों मैंने आपको ये सब चीज़ों का अनबॉक्सिंग तो नहीं करा पाया था, तो मैंने एक एक करके आपको दिखा दिया हूँ। और दोस्तों जैसे मैं अब कोई भी सामान लेके आता हूँ, कोई भी सामान लेके आऊँगा तो मैं आपको अनबॉक्सिंग ज़रूर करके दिखाऊँगा उसका, तो सामान कैसा होता है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा आपको। जो अभी सामान दिखाया हूँ और वो सब सामान यहाँ पर रखा है मेरे पीछे, आप देख सकते हो। और दोस्तों ये जो सामान लिया था मैंने, करीबन मेरे को ये समथिंग 2 लाख रुपये का पड़ गया था। और ये पूरा कंप्लीट जो हुआ था PC, मैंने इसका बहुत सा सामान आपको दिखाया ना PC का, तो ये पूरा कंप्लीट मेरे को 70,000 में पड़ा था। इसका जो कैबिनेट है ना, गेमिंग कैबिनेट जिसमें लाइटिंग वगैरह रहती है, वो मेरे को थोड़ा महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने अभी नहीं ले पाया। तो मैं जैसे अगर कभी लेता हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो मैंने फ़िलहाल अभी चलाने के लिए ऐसे ही ले लिया था, जो आपको दिख रहा है ना ये ले लिया था। वैसे अच्छा कैबिनेट है, बहुत ही अच्छा है। अगर जैसे लाइटिंग वाला लेता हूँ, गेमिंग PC लेता हूँ मैं, बाकी पूरा गेमिंग का पूरा काम ये करता है। इसमें ग्राफिक कार्ड भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, प्रोसेसर है इसका, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। और जो इसका प्रोसेसर मैंने लिया हूँ, i5 लिया हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। तो मैंने गेमिंग प्रोसेसर बोल के लिया था, ये मैंने कंप्लीट बताया था कि कितना का पड़ गया है, वही 70,000 करीबन का पड़ गया है। जो एक तो मैंने अभी इसका कैबिनेट तो नहीं ले पाया हूँ, बाकी तो अपना मैंने आपको मैंने पूरा दिखा दिया हूँ, TV दिखा दिया हूँ, पावर सप्लाई दिखा दिया हूँ, कीबोर्ड दिखा दिया हूँ, और ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने परचेस किया था। तो ठीक है दोस्तों, मैंने ये सब दिखा दिया हूँ आपको, और जब भी अब मैं कोई सामान लेता हूँ तो मैं इसका अनबॉक्सिंग ज़रूर करके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये सब सामान जो मैंने अपने छिंदवाड़ा से परचेस किया था, और जो कुछ सामान है मैंने जो अमेजोन से ऑनलाइन बुलवाया था, और कुछ सामान अपने यहीं छिंदवाड़ा से परचेस किया था। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी ऑल पर जाकर प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।